प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सत्यम शिवम सुंदरम में हम आपको करा रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, और अब हमारा पड़ाव है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, नासिक जिले में स्थित त्र्यंबक गांव में बसते हैं त्र्यंबकेश्वर भगवान, और मान्यता यही है कि ब्रह्मगिरी में कल कल बहती गोदावरी के उद्गम स्थल पर स्थित है ये भव्य और अद्भुत त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो आज हम आपको कराएंगे इस द्वादश ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन, आपको बताएंगे इससे जुड़े इतिहास और पौराणिक कहानियों के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं आखिर क्यों इस ज्योतिर्लिंग की इतनी महत्वता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर है खास इसीलिए कि ज्यादातर ज्योतिर्लिंगों में या तो सिर्फ देवों के देव महादेव है या फिर भगवान शिव और माता पार्वती, लेकिन त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों हैं। त्र्यंबकेश्वर की ये असाधारण विशेषता है कि मंदिर में भगवान ब्रह्मा के तीन मुखी अवतार के रूप में है त्रिदेव। वैसे तो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की अपनी अपनी खासियत है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में आपको दिख जाएंगे भगवान के तीनों स्वरूप, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश को यहाँ पर इस तरह से छूकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और ये ब्रह्मा के दरअसल तीनों स्वरूप इस मंदिर में विराजमान है, यही इस मंदिर की खासियत है। क्योंकि बाकी सारे ज्योतिर्लिंगों में आपको महादेव के अलग अलग स्वरूप या फिर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अपने अपने रूपों में विराजमान दिखाई देते हैं। श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर ये 12 ज्योतिर्लिंग में से आद्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। सृष्टि के निर्माण करने वाले देवता ब्रह्मा, पालन करने वाले देवता विष्णु और संहार करने वाले देवता शिव, तीनों देवताओं का एकत्रित रूप में यहाँ वास है, इसलिए इनको त्र्यंबकेश्वर कहा गया। माना जाता है कि सीधे पवित्र गोदावरी नदी का पानी शिवलिंग तक पहुंचता है, जिसे पूरे भक्ति भाव से श्रद्धालु अपने घर ले जाते हैं। पानी आप देख रहे हैं, दरअसल ये गोदावरी नदी का पानी यहाँ पर आता है और फिर विलुप्त हो जाता है, और फिर आगे जाकर आपको गोदावरी नदी दिखाई देती है। यहाँ पर भी जो पानी आप देख रहे हैं, दरअसल ये अंदर जलाभिषेक के बाद भगवान शिव का पानी है, इसे प्रसाद के रूप में भक्त ले जाते हैं। लेकिन ये दरअसल भगवान ब्रह्मा के तीनों अलग अलग रूपों का एक स्थान है, जिसे हम त्रिदेव के नाम से जानते हैं। यही वजह है कि त्र्यंबकेश्वर का इतना ज्यादा महत्व है। त्र्यंबकेश्वर की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही समस्त प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। खास तौर पर काल सर्प शांति के लिए यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबलि की पूजा संपन्न होती है। इसीलिए यह मान्यता है कि यहाँ पर इस मंदिर में महादेव के दर्शन से आपकी हर मान्यता पूर्ण होगी। त्र्यंबकेश्वर पौराणिक अहिल्या और गोदावरी नदी का संगम स्थल भी है। यहाँ लोग पितरों की शांति के लिए पूजा करने आते हैं। यहाँ अहिल्या और गोदावरी ये दो नदियों का संगम स्थान, अपने पितरों के लिए उचित कार्य करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। इसी तरह विविध ग्रहों की पूजा के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं। ज्योतिर्लिंग की भूमि होने के कारण संपूर्ण भारत से नहीं तो विश्व से अनेक शिव प्रेमी रोज हजारों की संख्या में यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं और अपने आप को पुण्य पावन बनाते हैं। हर मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा होती है, उसका एक इतिहास होता है, उसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की कथाएं करते हैं। लेकिन इस मंदिर यानी कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जिक्र शिव पुराण में भी है। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या है इस अद्भुत और अलौकिक मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा शिव पुराण में वर्णित है। कथा के मुताबिक ब्राह्मणों के छल से महर्षि गौतम पर गोहत्या का झूठा पाप लग गया। पाप उतारने के लिए ऋषि गौतम ने वो सारे कार्य किए जो ब्राह्मणों ने उनसे करने को कहा था। सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ ऋषि गौतम ने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने जब ऋषि गौतम से वर मांगने को कहा तो महर्षि गौतम ने कहा
कि वो उन्हें गोहत्या के पाप से मुक्त कर दें। इस पर भगवान शिव ने उन्हें ब्राह्मणों के छल के बारे में बताया और पूछा कि क्या वो उन ब्राह्मणों को दंडित नहीं करवाना चाहते। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, उन्हीं के छल की वजह से उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए, इसीलिए उन ब्राह्मणों को माफ कर दें और भगवान शिव खुद यहाँ निवास करें। कहा जाता है कि महर्षि गौतम की बात मानकर भगवान शिव त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से वहां प्रकट हो गए, स्थित हो गए। गोहत्या के पाप की मुक्ति के लिए गौतम ऋषि द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। गौतम ऋषि ने उस गोदावरी के कुशावर्त तीर्थ नाम के कुंड में स्नान करके अपने गोहत्या का पातक निवारण किया और शिव से प्रार्थना की कि आप स्वयं सृष्टि के निर्माण करने वाले देवता ब्रह्मा एवं विष्णु और शिव तीनों देवताओं का एकत्रित रूप में यहाँ वास हो। शिव के बगैर गंगा का स्वरूप अधूरा है, इसलिए भूमि को गोदावरी का उत्पत्ति स्थान के रूप में भी कहा जाता है। गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित ये मंदिर काले पत्थर का बना हुआ है और अपने आप में ही पूरी भव्यता और दिव्यता समेटे हुए है। आपको बता दें कि इस मंदिर की अगर आप शिखर पर देखेंगे तो वहां पर आपको ये सोने का ध्वज नजर आएगा। इसकी खासियत ये है कि सोने के तीन कलश और बैलों के चिन्हों वाला ये स्वर्ण ध्वज मंदिर की खूबसूरती को और चार चांद तो लगाता ही है, लेकिन इसके साथ ही इसका एक पौराणिक इतिहास है। साथ ही मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का स्थापत्य बेहद अद्भुत है। ये कहा जाता है कि ये सिंधु आर्य समाज की जो उत्कृष्ट शैली थी, जो वहाँ का आर्किटेक्चर था उस समय का, उसको अपने आप में समेटे हुए है। हर मंदिर या फिर यूं कहें ज्योतिर्लिंग के पीछे भी एक गौरवशाली इतिहास जुड़ा होता है। आइए आपको बताते हैं कि इस मंदिर यानी कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़ा क्या इतिहास है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी यानी कि नाना साहब बालाजी ने 1755 में शुरू किया था। 31 साल लग गए इसका जीर्णोद्धार करने में और ये भी कहा जाता है कि दरअसल ये मंदिर पूरा का पूरा औरंगजेब ने तोड़ दिया था, क्योंकि वो मंदिर के नीचे जो सोना था उसे हासिल करना चाहता था। और न जाने ऐसे कई मंदिर जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं उन्हें मुगल शासकों ने इसी तरह से नष्ट कर दिया था। उसके बाद अलग अलग लोगों ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इस मंदिर का जीर्णोद्धार 31 साल में पूरा किया गया, जिसमें 786 मजदूरों का इस्तेमाल किया गया जो बिना किसी रुकावट के लगातार 31 साल तक काम करते रहे। जो संगमरमर था उसे ढोने के लिए 48 ऊंट, 85 हाथी और 112 घोड़ों को लगाया गया। उस वक्त 9 लाख रुपए का खर्चा मंदिर के जीर्णोद्धार में आया था, जो आपके लिहाज से अगर देखा जाए तो करोड़ों में ये रकम थी, लेकिन 31 साल बाद ये भव्य और अद्भुत मंदिर जो कि अपने काले पत्थर के लिए जाना जाता है, कुछ पत्थर नासिक से लाया गया, कुछ यहाँ पर स्थित पर्वत से लाया गया, उस काले पत्थर से ही इस मंदिर का निर्माण संभव हो सका। मंदिर परिसर में ही भगवान शिव जी की पूजा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तालाब बना है। उसी तालाब से जल लेकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है। इस वक्त मेरे ठीक पीछे आप मंदिर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में तालाब देख सकते हैं, जिसे अमृत कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस कुंड की गहराई दरअसल मंदिर के ऊंचाई जितनी है और यहीं से हर रोज जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। जाहिर है इतना सब कुछ जानने के बाद आपके मन में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की इच्छा जरूर जगी होगी। तो हम आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचने के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। आप हवाई मार्ग से, सड़क मार्ग से और रेल मार्ग तीनों से त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सबसे नजदीक शहर नासिक है, नासिक से यहाँ की यात्रा लगभग 1 घंटे की है और नासिक तक रेल मार्ग या फिर देश भर के अलग अलग शहरों से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो नासिक से चुनिंदा फ्लाइट ही मौजूद है। ऐसे में ये जरूर जानकारी प्राप्त कर लें कि आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए किस रास्ते से यहाँ पर सुगम तरीके से पहुँच सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर आए
तो दर्शन पूजन आरती आदि के वक्त के बारे में जानकारी भी जरूरी है। अब हम आपको यहाँ पर पूजा से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ दे देते हैं। दरअसल सुबह सबसे पहले 7 से 8:30 बजे के बीच ब्रह्म आरती की जाती है। इसके बाद भगवान महादेव की आरती का वक्त होता है 11:15 बजे दोपहर से 12:30 बजे तक, और शाम को होती है विष्णु जी की आरती जिसका वक्त है 7:00 बजे से 8:30 बजे तक। यानी कि अगर आप इन दिव्य आरतियों को देखना चाहते हैं तो टाइमिंग का ध्यान जरूर रखें। इस मंदिर की महत्ता के बारे में, पौराणिक कथा के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब हम आपको दिखा देते हैं कि मंदिर के आसपास आप क्या कुछ देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जो इस मंदिर के इर्द गिर्द बनाया गया है, जहां पर आप पहुंचकर समझ सकते हैं कि क्या इस जगह को खास बनाता है। त्र्यंबकेश्वर में स्थित है ब्रह्मगिरी किला। ये किला समंदर से 4,248 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और उसका घेरा 10 मील का है। किले के ऊपर 4 मील तक चारों तरफ से 300 से 400 फीट ऊंचाई की चोटी है। किले के रास्ते में ही कोटी नाम का एक तीर्थ लगता है। किले के पिछवाड़े में उत्तर दिशा की तरफ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर दिखाई देता है और इसी विशेष जगह पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गंगा द्वार यानी ब्रह्मगिरी से बहने वाली गंगा यानी गोदावरी का उद्गम स्थल। गंगा द्वार के पास ही गुफा जैसा दिखाई देने वाला एक कुंड है जिसे वरहा तीर्थ नाम से जाना जाता है। वरहा तीर्थ की उत्तर दिशा की तरफ कालम्बिका देवी का मंदिर दिखाई पड़ता है। कुशावर तीर्थ, पौराणिक मान्यता के मुताबिक गोहत्या के पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने इसी जगह पर गंगा की जलधारा को रोक दिया था। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान कर गौतम ऋषि गोहत्या के पाप से मुक्त हुए। इसके बाद यहाँ गंगा को गोदावरी कहा जाने लगा। यहाँ पर तपस्या करने के लिए गौतम की गुफा है जहाँ 108 शिवलिंग है। थोड़ा आगे गोरख गुम्फा है, वो स्थान जहाँ गोरखनाथ ने तपस्या की थी। कुछ कदम नीचे उतरने के बाद पेड़ की जड़ों से गंगा बहती नजर आती है। इसे राम लक्ष्मण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ राम कुछ दिनों के लिए रुके और दशरथ की याद में श्राद्ध संस्कार किया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के हमारे सफर में अलग अलग चुनौतियां हैं। कहीं पर मौसम की मार है, कहीं पर भक्तों की लंबी कतार है, लेकिन इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए हम आप तक पहुंचा रहे हैं महादेव के भव्य दर्शन, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों का सफर। हमारा ये पड़ाव आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे भी ये सफर जारी रहेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।